नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરા શહેરમાં ઓએનજીસી ખાતે ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઓએનજીસી એમ્પ્લોઈઝ વેલફેર કમિટી ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવે છે. 40 કરતાં વધારે વર્ષોથી તેઓ આ ગરબાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આ વર્ષે પણ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં ઓએનજીસીના કર્મચારીઓ અને તેમના જે બાળકો છે તેમના પરિવારના સભ્યો તો ગરબે ઘૂમતા જ હોય છે, પરંતુ સાથે સાથે ઓએનજીસી અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં રહેતા જે લોકો છે તેઓ પણ અહીં ગરબાની મજા માણવા માટે આવે છે. नमस्कार, मेरा नाम प्रिय रंजन मिश्रा है. मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेसिन मैनेजर हूँ ओएनजीसी का. आज हम सब ओएनजीसी प्रांगण में गरबा डांस कर रहे हैं, और ये गरबा यहाँ का बहुत पुरातन है. हम करीब 40-50 साल पहले गरबा यहाँ से शुरू हुआ था, जो सदियों में चल के आ रहा है. और यहाँ पे खासियत ये है कि हम सारे हमारे जो बहन लोग हैं उनको मुफ्त में आने देते हैं, इसमें कोई टिकट्स वगैरह नहीं करते हैं, और सब लोग मिलजुल के यहाँ पे करते. जो हमारा नज़दीक वाले जो गांव है, जो बस्ती है, सब लोग यहाँ पे आते हैं. हमारा ओएनजीसी का भी सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, सब लोग मिल के आते हैं. और इसमें खास बात यह है कि ये जो ख़त्म होने का बाद भी कोई झगड़ा वगड़ा कभी किसी से कभी हुआ नहीं है. जब भी हमको याद आया, जब भी से सब लोग मिलजुल के यहाँ खेलते हैं, एंड हमारा लोकल जो अथॉरिटीज है वो लोग भी आके खेलते हैं. तो हम सब लोग मिलके धूमधाम के माता का यहाँ पे सेवा करते हैं और नवेली नवरात्रि को मनाते हैं. सिक्योरिटी के हिसाब से गरबा नंबर वन हो जाता है इस इलाके में, ऐसा सुना जाता है. जी, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा अपना सिक्योरिटी भी रहता है. हम भी बाहर से भी सिक्योरिटी हायर करते हैं, और हम पूरा ध्यान देते हैं कि लोगों का जो सेंसिटिविटी होता है, हम बाहर लोगों को वो अंदर बिल्कुल अलाव नहीं करते हैं, और हम ना अपने लोगों को पहले प्राधान्य देते हैं, बाकी बाहर का जो हमारा नियर बाई लोग जो है उन लोगों को पहले आने देते हैं. तो यहाँ पे सिक्योरिटी में कभी हमें याद ही नहीं है कि कभी ऐसे कुछ हुआ है, मतलब प्रॉब्लम हुआ है. सब लोग मिलजुल के आराम से खेलते हैं.